हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एनएम सिद्दीकी। आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे हम चंदेरी के बारे में। भारत देश का दिल यानी मध्य प्रदेश में स्थित चंदेरी एक प्राचीन शहर है। यह अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह छोटा मगर खूबसूरत नगर राज्य के अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। झीलों, पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा यह स्थल पर्यटन के लिहाज से बहुत ही खास है। चंदेरी पूरे भारतवर्ष में अपनी चंदेरी साड़ियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये साड़ियाँ देश के अलावा अन्य देशों में भी निर्यात की जाती हैं। चंदेरी में देखने लायक बहुत सी प्राचीन संरचनाएं मौजूद हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं चंदेरी के पर्यटन स्थलों के बारे में। पहला है चंदेरी का किला। यह किला चंदेरी का मुख्य आकर्षण है। मुगल काल में बनवाया गया यह विशाल किला उनकी स्थापत्य कला की जीवंत मिसाल है। यह किला पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है। यह पहाड़ी की चोटी नगर से लगभग 71 मीटर ऊंची है। कहा जाता है कि इस किले की मूल संरचना को राजा कीर्तिपाल द्वारा 11वीं शताब्दी के आसपास बनवाया गया था। कई बड़े आक्रमण झेल चुके इस किले को कई बार पुनर्निर्माण भी करवाया जा चुका है। अभी खंडहर रूप में मौजूद यह किला अपने समय की भव्य संरचनाओं में गिना जाता है। इस किले में रानी और कुछ राजपूत स्त्रियों के द्वारा दुश्मन की फौजों से बचने के लिए जौहर किया गया था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह जौहर स्मारक है जो इन जौहर करने वाली स्त्रियों की यादगार स्वरूप यहाँ बनवाया गया था। इस किले के अंदर आप खिलजी मस्जिद, हवापौर, नौखंडा महल और हज़रत अब्दुलरहमान का मकबरा भी देख सकते हैं। दूसरा है कोसक महल। चंदेरी में स्थित यह कोसक महल यहाँ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह चंदेरी से लगभग 4 किलोमीटर दूर ईसागढ़ रोड पर स्थित है। इस महल का निर्माण 1445 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी ने अपनी जीत की खुशी के यादगार स्वरूप करवाया था। महमूद शाह खिलजी ने सुल्तान महमूद सारकी को युद्ध में हराया था। पहले इस महल को 7 मंजिला बनाने की योजना थी, लेकिन कुछ कारणों से यह सिर्फ 3 मंजिला ही बन पाया। अंदर से यह महल 4 अलग-अलग भागों में बना हुआ है, लेकिन ऊपर की ओर छत के पास पत्थर के मेहराबों से इसे जोड़ दिया गया है। इस महल की नक्काशी आप देख सकते हैं कितनी शानदार है। महल की वास्तुकला और दीवारों पर की गई नक्काशी भी आप देख सकते हैं, बहुत बारीक नक्काशी है। आप महल की खिड़कियों पर की गई कारीगरी और लाजवाब नक्काशी को भी देख सकते हैं। तीसरा है बादल महल। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो दरवाजे नुमा तस्वीर देख रहे हैं, यह बादल महल है। बादल महल चंदेरी के चुनिंदा सबसे खास पर्यटन स्थलों में से एक है। दोस्तों, यह प्राचीन संरचना बिना किसी महल व किले के एक विशाल द्वार के रूप में यहाँ मौजूद है। यहाँ आसपास का नज़ारा देखिए कितना शानदार और मनमोहक है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इस महल का निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था। यह विशाल और खूबसूरत प्रवेश द्वार चंदेरी की बड़ी जीत की खुशी में बनवाया गया था। आप देख सकते हैं यह गेट अपनी 2 मीनारों के साथ यहाँ खड़ा है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक नज़र आता है। प्रवेश द्वार पर की गई शानदार नक्काशी आप देख सकते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है। दोस्तों, इसे देखने के लिए आपको प्रति व्यक्ति 25 रुपये का टिकट भी लेना होता है। चौथा है चंदेरी संग्रहालय। चंदेरी बस स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है। यह चंदेरी के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। चंदेरी की विरासत और इतिहास के अवशेषों को संरक्षित करने के लिए वर्ष 1999 में इस संग्रहालय का निर्माण किया गया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किए गए इस संग्रहालय के चारों तरफ खूबसूरत गार्डन भी हैं और बीच में यह खूबसूरत संग्रहालय है। इस संग्रहालय में 5 दीर्घाएँ हैं, जैसे वैष्णव दीर्घा, शैव दीर्घा, जैन दीर्घा और आनंदम दीर्घा। सबसे शानदार दीर्घाओं में से एक वैष्णव गैलरी है,
जिसमें विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों की कुछ बेहतरीन मूर्तियां हैं। आप स्क्रीन पर विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा को देख सकते हैं। इस मूर्ति के पूरे शरीर पर नक्काशी की गई है। इसी तरह शैव गैलरी शिव और शक्ति को समर्पित है और जैन गैलरी में आप विभिन्न जैन तीर्थकरों की उत्कृष्ट मूर्तियों को देख सकते हैं। आनंदम गैलरी में चंदेरी के विभिन्न मुगल स्मारकों से संबंधित मुगल पेंटिंग, शिलालेख और भी कई चीज़ें जैसे सिक्के, हथियार व पुरानी वस्तुओं का बेहतरीन संग्रह आप देख सकते हैं। पांचवा है सहजादी का रौजा। दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो इमारत देख रहे हैं यह सहजादी का रौजा है। दरअसल यहां बोर्ड पर लिखी जानकारी के मुताबिक यहां के सुल्तान की सहजादियों की यहां कब्रें हैं जिनके नाम नहीं मालूम। जानकारों की माने तो इस जगह पर कुल 4 कब्रें बनी हुई हैं और सहजादी का रौजा दरअसल मेहरुन्निसा की कब्रगाह है। ऐसा कहा जाता है कि मेहरुन्निसा और उसके प्रेमी को यहीं पर दफनाया गया था। आप स्क्रीन पर जो 2 कब्रें देख रहे हैं यह मेहरुन्निसा और उसके प्रेमी की कब्रें हैं। मेहरुन्निसा एक गवर्नर की बेटी थी और उसका प्रेमी एक सेना प्रमुख था। आप इस इमारत पर की गई नक्काशी को देख सकते हैं। बहुत ही शानदार कारीगरी से इस इमारत को बनाया गया है जो काबिले तारीफ है। छठवां है कटी घाटी। चंदेरी नगर के दक्षिण में पहाड़ को काटकर कटी घाटी प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि बाबर की सेना ने एक ही रात में इस पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काटकर ऐसा रास्ता बना लिया जिससे उसकी पूरी सेना और हाथी तोप वगैरह सीधे चंदेरी के किले तक पहुंच गए थे। लेकिन द्वार पर लगे अभिलेखों से मालूम होता है कि इस घाटी और द्वार का निर्माण सन 1490 ईस्वी में मालवा के सुल्तान गयास शाह के शासनकाल में जिमान खान ने करवाया था। 80 फीट ऊंची, 39 फीट चौड़ी और 192 फीट लंबाई में घाटी को काटकर इस कटी घाटी का निर्माण किया गया और बीच में ही पहाड़ को काटकर मेहराबदार प्रवेश द्वार को बनाया गया जिसके दोनों ओर 2 बुर्ज भी बनाए गए हैं। यहाँ पर चट्टान को काटकर सीढ़ी भी बनाई गई है जिससे द्वार के ऊपरी भाग में पहुंचा जा सकता है। द्वार के ऊपर से आसपास का बेहतरीन नज़ारा भी आप देख सकते हैं। सातवां है जामा मस्जिद। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही जामा मस्जिद चंदेरी की प्रमुख ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है। मस्जिद के ऊपर 3 बड़े बड़े गुंबद बने हुए हैं जो इस प्राचीन और खूबसूरत मस्जिद को खास बनाते हैं। इस मस्जिद का निर्माण 13वीं शताब्दी के दौरान गयासुद्दीन बलबन द्वारा करवाया गया था। यह एक बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है। आठवां है खूनी दरवाज़ा। दोस्तों, स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह चंदेरी दुर्ग में स्थित एक दरवाज़ा है जिसे खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। यहाँ पर गुनाहगारों को फांसी की सज़ा दी जाती थी जिसके कारण इसका नाम खूनी दरवाज़ा पड़ा। यहाँ पर कई छोटे छोटे कमरे भी बने हुए हैं जहाँ पर शायद किले के सुरक्षा गार्ड या राजा के प्रहरी रहते रहे होंगे। नौवां है बैजू बावरा समाधि स्थल। दोस्तों, आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं यह बैजू बावरा की समाधि स्थल है। बैजू बावरा 16वीं शताब्दी के महान गायक संगीतज्ञ तानसेन के गुरु भाई थे। इनका नाम बैजनाथ मिश्र था और इनका जन्म चंदेरी में 1542 ईस्वी में हुआ था। बैजनाथ मिश्र यानी बैजू बावरा की बालकाल से ही गायन एवं संगीत में काफ़ी रुचि थी। बैजनाथ मिश्र यानी बैजू बावरा ने ध्रुपद गायन शैली में गायन की दीक्षा उस समय के मशहूर गुरु हरिदास स्वामी से वृंदावन में ग्रहण की थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार गायन प्रतियोगिता में बैजू बावरा ने अकबर के 9 रत्नों में शामिल तानसेन को भी पराजित कर दिया था। हर साल चंदेरी में इनकी याद को ताज़ा करने के लिए बैजू बावरा संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। यह समारोह राजा रानी महल में होता है जहां देश भर के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक अपनी गायन कला का प्रदर्शन करते हैं। दसवां है बत्तीसी बावड़ी। चंदेरी शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित यह बावड़ी चंदेरी में सभी बावड़ियों में सबसे बड़ी है। यह वर्गाकार है
हर दिशा में इसकी चौड़ाई 60 फुट है और यह 4 मंजिला नीचे तक है। ऊपर की मंजिल से नीचे की मंजिल तक उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं और हर मंजिल पर 8 घाट हैं। इस तरह कुल घाटों की संख्या 32 होती है, इसीलिए इस बावड़ी को 32वीं बावड़ी कहा जाता है। यहाँ 2 शिलालेख भी मौजूद हैं जिसके अनुसार इसका निर्माण 1484 में किया गया था। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाकर लाइक और शेयर करें, यह प्रक्रिया बिल्कुल फ्री होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।